एक और न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें। अब अपने माउस पॉइंटर को ऑब्जेक्ट पर लाकर क्लिक करें और चंद सेकंड्स के लिए होल्ड करें तो ऑब्जेक्ट पर एक रेड बटन अपीयर हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें। अब न्यू कैरेक्टर को ऐड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें। अब कैरेक्टर पर क्लिक करें। अब चेक मार्क पर क्लिक करें तो कैरेक्टर स्टेज पर जाहिर हो जाएगा। अब आप प्रोग्रामिंग एरिया में स्क्रिप्ट बनाएं। अब कैरेक्टर की स्टार्टिंग पोजीशन को सेट करें। अब एक और कैरेक्टर को ऐड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें। अब कैरेक्टर पर क्लिक करें। अब आप चेक मार्क पर क्लिक कर दें। अब आप प्रोग्रामिंग एरिया में स्क्रिप्ट बनाएं। कैरेक्टर की स्टार्टिंग पोजीशन को सेट करें। अब आप प्रोग्रामिंग एरिया में स्क्रिप्ट बनाएं। Thank you.
अब एक और कैरेक्टर को ऐड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें। अब कैरेक्टर पर क्लिक करें। अब आप चेक मार्क पर क्लिक कर दें। अब कैरेक्टर की स्टार्टिंग पोजीशन को सेट करें। अब प्रोग्रामिंग एरिया में थर्ड स्क्रिप्ट को बनाएं। अब न्यू कैरेक्टर को ऐड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें। अब आप कैरेक्टर पर क्लिक करें। अब चेक मार्क पर क्लिक कर दें। अब कैरेक्टर की स्टार्टिंग पोजीशन को सेट करें। अब प्रोग्रामिंग एरिया में फोर्थ स्क्रिप्ट को बनाएं। अब चेंज बैकग्राउंड बटन पर क्लिक करें। अब आप स्टेज के बैकग्राउंड को ऐड करें। अब आप बैकग्राउंड पर क्लिक करें। अब चेक मार्क पर क्लिक कर दें। अब तमाम स्क्रिप्ट्स को चलाने के लिए ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें। अब आप प्रेजेंटेशन मोड पर क्लिक कर दें।
अब एनिमेशन को स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन पर क्लिक करें। अब एग्जिट प्रेजेंटेशन मोड पर क्लिक करें।